रूस यूक्रेन के बीच इंतकाम का सिलसिला शुरू हो चुका है। यही वजह है कि दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर रह रहकर बड़ी तबाही कर रहे हैं। इस युद्ध में यूक्रेन के साथ अमेरिका और नेटो के कई देश हैं। इसलिए माना जा रहा है कि कीव पर हमले के बदले का प्लान सिर्फ कीव नहीं बल्कि पेंटागन में भी बनेगा, यानी अब बारी यूक्रेन की है। कीव में तबाही की कहानी के साथ ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि अब पुतिन फुल एंड फाइनल के मूड में है और कीव पर फाइनल हमले का दौर शुरू हो चुका है। अब अगर कीव को बचाने के लिए नेटो ने बड़ा कदम उठाया तो यह युद्ध एटमी फेज में भी जा सकता है। यूक्रेन की राजधानी यूक्रेन की सरकार और यूक्रेन के वजूद को बचाए रखने के लिए ही नेटो अरबों डॉलर का बारूद भस्म कर चुका है। ये वही कीव है जिसे महफूज रखने के लिए दर्जनों एयर डिफेंस की तैनाती की गई। कीव की ऐसी लाचारी, बेबसी और तबाही देखकर दुनिया हैरान है। क्या इस तबाही की वजह सिर्फ रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं या फिर नेटो की बेरुखी? सवाल है कि क्या कीव में तैनात सभी एयर डिफेंस खाली हैं? कीव की सुरक्षा को लेकर नेटो ने कुछ नहीं किया? क्या महीनों से कीव का सुरक्षा कवच खोखला है? रूस की मिसाइलों ने उसी कीव को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आ चुके हैं, ऋषि सुनक और मैक्रो जैसे ताकतवर लीडर्स आ चुके हैं। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रहते हैं, यही से युद्ध की रणनीति बन रही है। लेकिन आज तक कीव की ऐसी हालत कभी नहीं हुई। अब कीव पर ताबड़तोड़ हमले से नेटो में खलबली है। इस हमले से ठीक पहले ब्रिटेन और नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री यूक्रेन दौरे पर पहुंचे थे। ओडेसा में तबाही का जायजा लेने के साथ ही दोनों नेताओं ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों का ऐलान कर दिया था। नीदरलैंड्स यूक्रेन को पैट्रियट देने जा रहा है क्योंकि कीव में जो धमाके हुए वो मजबूत एयर डिफेंस के रहते बम के नहीं थे। रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अमेरिका और नेटो को भी रूस के खिलाफ अभियान शुरू करने का मौका दे दिया है। कीव के ये धमाके विश्व युद्ध की वजह बन सकते हैं क्योंकि अमेरिका कीव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका से घातक मिसाइलों की सप्लाई की जा सकती है। यूक्रेन के लिए लॉन्ग रेंज के हथियारों का ऐलान हो सकता है। अमेरिका अपने हथियारों से रूस के सभी शहरों को निशाना बनाने की छूट दे सकता है। फिलहाल अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन उन्हीं जगहों पर हमले कर सकता है जहां से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं या फिर यूक्रेन पर हमले के लिए सेना का जमावड़ा है। लेकिन कीव पर हमले के बाद अमेरिका भी यूक्रेन को अटैक एमिस से रूस के दूसरे शहरों पर हमले की छूट दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह रूस के खिलाफ जंग का ऐलान माना जाएगा। बदला लेने के लिए रूस बाल्टिक देशों पर हमले की शुरुआत कर सकता है। रूस पोलैंड और फिनलैंड जैसे देशों पर मिसाइल बरसा सकता है। यूरोप और नेटो देशों पर हमले के बाद जंग का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। कहने को यूक्रेन का सुरक्षा कवच ऐसा है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन जमीन को छू नहीं सकता।
कीव समेत कई अहम इलाकों में पेट्रियॉट एयर डिफेंस की तैनाती है। इसी एयर डिफेंस से हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने का दावा भी किया गया था। अमेरिका और नॉर्वे के सहयोग से बनाया गया नैसाम्स डिफेंस भी यूक्रेन के कई इलाकों को मिसाइल और ड्रोन के हमले से बचाता है। जर्मनी का आयरिस टी एयर डिफेंस सिस्टम भी कीव की सुरक्षा में तैनात है। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली एस्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की थी। कीव में एस्पाइड की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा यूक्रेन के पास S-300 एयर डिफेंस भी है जो ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नष्ट कर सकता है। कीव में इस विध्वंस के बाद ज़ेलेंस्की इंतकाम की तैयारी कर रहे हैं। नीदरलैंड्स और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक करने के बाद ज़ेलेंस्की पोलैंड गए, जहां कई समझौते होने वाले हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की की एक मांग से जाहिर हो गया है कि इंतकाम का सिलसिला समुद्र से शुरू होगा। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से पनडुब्बी की मांग की है। यूक्रेनी नेवी चीफ ने नेटो से छोटी सबमरीन भेजने की गुजारिश की है। ओडेसा के तट पर सबमरीन की तैनाती को जरूरी बताया है। यूक्रेन इससे पहले अपनी सुरक्षा और जमीन बचाने की जंग लड़ रहा था, लेकिन अब युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब ज़ेलेंस्की रूसी शहरों और क्रीमिया पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन को अटैक एमएस जैसी मिसाइलें तो मिल गई हैं, लेकिन काला सागर के लिए यूक्रेन को कोई हथियार नहीं मिला है। यूक्रेन काला सागर से रूस के कई इलाकों पर हमले की प्लानिंग में है। रूसी युद्धपोत और क्रीमिया पर प्रहार के लिए सबमरीन की मांग की गई है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की नई डिमांड अमेरिका की प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। अमेरिका को सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि उन बाल्टिक देशों की भी चिंता है जिन्हें रूस कभी भी निशाना बना सकता है। एक बार फिर रूस से फिनलैंड के लिए धमकी जारी हुई है। फिनलैंड में अमेरिका सैन्य अड्डों के साथ साथ सीक्रेट परमाणु हथियार ठिकाने बनाने की भी तैयारी कर रहा है। फिनलैंड की भौगोलिक स्थिति देखकर यह समझा जा सकता है कि रूस के लिए यह बड़ा खतरा क्यों है, और अगर ऐसा हुआ तो रूस भयंकर पलटवार करेगा। रूस की सीमाएं यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड से मिलती हैं। यानी फिनलैंड और रूस के बीच कोई बफर जोन नहीं है, सीधे सीधे रूस का पड़ोसी देश है। फिनलैंड की सीमाओं पर रूस के नजदीक नेटो के सैन्य ठिकाने बनाने का मतलब है रूस पर सीधा हमला। यहाँ के सैन्य ठिकानों से अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइलें कुछ ही सेकंड में मॉस्को पर बारूद बरसा सकती हैं। कीव इन धमाकों के बाद बाल्टिक देशों में एयर डिफेंस अलर्ट पर है। समीक्षा हो रही है कि कीव के कवच को रूसी मिसाइल भेजने में कामयाब रही। और इस वक्त बड़ी खबर पोलैंड से आ रही है। पोलैंड में मौजूद है ज़ेलेंस्की और वहां आपात बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैबिनेट के साथ चर्चा की है ज़ेलेंस्की ने पोलैंड से ही। रूसी हमलों के बाद पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट है। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से भी बातचीत की है और पोलैंड से भी आपात बैठक बुलाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई है। साथ ही बाइडेन से भी ज़ेलेंस्की ने पोलैंड से ही बात की है।